Hello guys, how are you? I hope you are doing well and I am also doing well. Guys, we are discussing bills of exchange and promissory note chapter 6 unit 1 of CA Foundation Accountancy. Abhi tak sirf humne topic mein hi dekha bills of exchange and promissory note specifically. Promissory note specifically sirf humne topic mein hi dekha hai. Now it's the time to discuss what is promissory note. But again let me tell you, accountancy जो भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड दैट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो कोई भी हम सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉमिसरी नोट के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं, ओनली थ्योरेटिकली समझने वाले हैं कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है. तो ये काफ़ी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही, काफ़ी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है. इसको ऐसे समझते हैं, जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा तो हमने क्या बोला, दो पार्टी एक्स एंड वाई, ठीक है. एक्स मानो सेलर है एंड वाई बायर है. एक्स इज अ सेलर एंड वाई इज अ बायर. तो एक्स क्या करेगा, इस पे ड्रॉ करेगा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और वाई इसको एक्सेप्टेंस दे देगा. जितना भी अमाउंट का कमर्शियल ट्रांजेक्शन था उसके लिए एक्सेप्टेंस दे देगा. ड्यू डेट पे क्या होगा, एक्स वाई के पास जाएगा और इसका पैसा लेकर आ जाएगा इन अ वेरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्स एक ड्रॉअर है, एक्स एक ड्रॉअर है और ये बनाकर लेके जाता है, ये बनाकर लेके जाता है और वाई इसको एक्सेप्टेंस फिर देता है. अगर यहां पे मैं थोड़ा सा ट्विक कर दूं, सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में सेम ट्रांजेक्शन होता है और वाई क्या करता है, वाई खुद ही एक डॉक्यूमेंट बना दे और उस डॉक्यूमेंट में प्रॉमिस लिख दे कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि ड्यू डेट पे आफ्टर 3 मंथ्स मैं एक्स को पैसा दूंगा, लेट्स से 30,000. तो ये क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट. तो बस अगर इतना ही सिंपल सा डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है, सेम इंस्ट्रूमेंट है. पैसे का सेटलमेंट करने के लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, एवरीथिंग इज सेम. बट यहाँ पे क्या है, वाई प्रॉमिस कर रहा है एक्स को कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वाई प्रॉमिस कर रहा है एक्स को पैसा दूंगा. यहाँ पे एक्स एक डॉक्यूमेंट बनाता और वाई से एक्सेप्टेंस ले रहा था, वाई के पास जा रहा था और वाई फिर पढ़कर उसे साइन कर रहा था. यहाँ पे वाई खुद ही एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उसको साइन करके दे देता है प्रॉमिसरी नोट. जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो आप क्या करते हो, पैसे लेकर मान लो आप कोई सामान लेने जा रहे हो 1,000 रुपये का, तो आप 1,000 रुपये घर से लेकर जाते हो और वो 1,000 रुपये पकड़ाते हो और सामान लेकर आते हो. तो वैसे ही क्या होगा प्रॉमिसरी नोट के केस में, आप एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर ले जाओगे, उसमें दुकानदार का नाम लिख दोगे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 3 महीने के बाद पैसा दे दूंगा, और वो प्रॉमिसरी नोट लेकर जाओगे दुकानदार को, वो प्रॉमिसरी नोट दोगे और सामान लेकर जाओगे. तो वो काइंड ऑफ मनी के जैसे इफेक्ट करता है. मनी इज ऑल्सो उसको आप प्रॉमिसरी नोट नहीं बोल सकते हो, मनी इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, बट वो प्रॉमिसरी नोट का नेचर का होता है. क्यों, यहाँ पे इसलिए बैकग्राउंड को समझना इंपॉर्टेंट है. मनी आप किसी को देते हो, लेट्स से एक्स था और वाई है, ये इसको हजार रुपये देता है और इसको ये 1,000 रुपये का गुड्स दे देता है, 1,000 रुपये का गुड्स देता है. अब ये जो कागज़ का टुकड़ा है 1,000 रुपये का, ये वाई के लिए क्या काम का है वाई के लिए. वाई क्या कर सकता है, इसको यूज करके फर्दर ये अपना ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर सकता है, कुछ परचेज करना है वो कर सकता है, कोई सर्विसेज लेना है वो कर सकता है, कहीं ट्रैवल करना है वो कर सकता है, राइट. क्योंकि इसका इकोनॉमी में क्या है, मान्यता है. और उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे नेपाल राष्ट्र बैंक, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस मनी जो उस कागज के टुकड़े से प्रॉमिस करता है कि यह 2,000 रुपये है,
तो 2000 बराबर का, अगर अगर कल को इकोनॉमी में कोई भी ये 2000 रुपये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो उस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि वो 2000 बराबर का कुछ सामान देगा, दैट इज प्राइमरली गोल्ड। उस वैल्यू का गोल्ड आपको देगा। अब गोल्ड का तो वर्थ होगा, गोल्ड इज अ गुड्स, गोल्ड का तो वर्थ होगा, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस कर रहा है, वो नोट जब इशू करता है, कभी भी नोट इकोनॉमी में आता है, तो उसके बदले आपको गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता है। दैट इज वाई आपको गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर गोल्ड का रिजर्व नहीं रखोगे, आप सिर्फ इकोनॉमी में नोट्स इशू करते जाओगे, तो आपका इकोनॉमी लिक्विडेट हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है? आपके इकोनॉमी में लिक्विडिटी का क्राइसिस आ जाएगा और इकोनॉमी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा, आपका पैसा का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आपको, आपने इकोनॉमी में मान लो 500 करोड़, छोटा सा फिगर ले रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में 500 करोड़ से बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर होता है, मान लो 500 करोड़ का कैश सर्कुलेट करा, बट आपने सिर्फ 100 करोड़ का गोल्ड रिजर्व में रखा, 100 करोड़ का गोल्ड रिजर्व में रखा। अब कल को पूरे जो 500 करोड़ जिनके जिनके पास पैसा है, सब लोग ले जाकर RBI के पास पहुंच गए, बोल दिए कि मेरे को इसके इसके बाबत का मुझे गोल्ड दो, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीट कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आप नोट इशू करते हो, तो आप उसमें रिजर्व रखना पड़ता है, आपको रिजर्व रखना पड़ता है, तभी आप गोल्ड नोट वगैरह इशू कर पाते हो। दिस इज वन थिंग। बट यहाँ पे क्या है, मनी भी एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक टू द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर दो, मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही है, इंटेंट इतना ही है कि जब भी आप एक नोट इशू करते हो, जब भी एक नोट इशू होता है, तो उसके साथ साथ एक प्रॉमिस आता है। प्रॉमिस क्या है कि धारक को, जो धारक है, द बियरर है ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट, जो बियरर है ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट, उसे वो पैसा मिलेगा, उसे उसका इक्विवेलेंट का सामान मिलेगा। ये प्रॉमिस करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, राइट? तो ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका हम समझते हैं, इसको पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन के थ्रू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है उसके थ्रू समझते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, आप ऑर्डर देते हो, और उस ऑर्डर पे क्या करता है, साइन करता है एक्सेप्टर। ऑर्डर है जिस पे साइन करता है एक्सेप्टर। ये क्या है, एक प्रॉमिस है, ठीक है? ऑर्डर है, एक प्रॉमिस है, ठीक है? यहाँ पे तीन पार्टी होता है नॉर्मली, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई है, और दूसरा पेई हो सकता है। मतलब ड्रॉअर जब ड्रॉ कर रहा है, तो वो ऑर्डर कर सकता है ड्रॉई को कि थर्ड पर्सन को पे कर दो, थर्ड पर्सन को पे कर दो। तो यहाँ पे तीन पार्टी होता है। बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक तो जो बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज मेकर, और दूसरा पेई, जिसको पैसा मिलेगा। तो यूजुअली दो पार्टी होता है, मेकर एंड पेई। यहाँ पे बिल पे कौन करता है? एक्सेप्टर। बेसिकली ड्रॉई पे करेगा, बिल पेड बाय एक्सेप्टर, प्रॉमिसरी नोट पेड बाय मेकर, ठीक है? अमाउंट किसको मिलेगा? अमाउंट किसको मिलेगा? पेई को यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पेई को मिलेगा। अमाउंट पेड एक्सेप्टर को, और या मिलेगा किसको? पेई को, दोनों केस में। बट ड्रॉन बाय कौन होगा? यहाँ पे जो दूसरा लाइन है, ड्रॉन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसने पैसा लेना है वो ड्रॉ करता है। यहाँ पे ड्रॉ कौन करता है? डेटर, जिसने पैसा देना है वही प्रॉमिस करके एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, राइट? उसके बाद द ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। यहाँ पे कभी भी मेकर एंड पेई सेम पर्सन नहीं होगा, मेकर एंड पेई कभी भी सेम पर्सन नहीं होगा, बट यहाँ पे ड्रॉअर एंड पेई सेम हो सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, ठीक है? इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। मतलब क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ए ड्रॉअर है, बी ड्रॉई है, और ये क्या कर देता है, एंडोर्स कर देता है सी को। एक ड्रॉअर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जो एंडोर्स कर देता है सी को, ठीक है? तो ड्यू डेट पे क्या होगा, सी इसके पास जाएगा पैसा मांगने, अगर नहीं मीट हुआ तभी ए का लाइबिलिटी अराइज होगा, तभी ए का ड्रॉअर का लाइबिलिटी अराइज होगा। तो ड्रॉअर का लाइबिलिटी क्या होता है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल होता है। बट यहाँ पे मेकर का लाइबिलिटी,
मेकर का लाइबिलिटी प्रॉमिसरी नोट में हमेशा प्राइमरी रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। इसमें सेकेंडरी एंड कंडीशनल क्यों हुआ? ये बाद में जा रहा है, इसके पास सी बाद में जा रहा है, और कंडीशनल क्या है कि बी अगर पैसा नहीं देता है तभी सी ए के पास जा सकता है, बी अगर पैसा नहीं देगा तभी सी ए के पास जा सकता है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, आई वोंट कंप्लीटली अग्री विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली, बिकॉज ये पॉइंट को आप इसलिए 100% अग्री नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन वी स्टडी द की फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। तो हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से वी कांट अग्री, क्योंकि अनकंडीशनल तो दोनों ही होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, द आंसर इज नो। ये आप ये स्टेटमेंट को नहीं लेकर जाओगे। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन, ठीक है, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि आप प्रॉमिसरी नोट में आप प्रॉमिस करते हो, ठीक है, आपको आपका खुद ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ड्यू डेट में पैसा दोगे, तो यहाँ पे नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड। यहाँ पे प्रोटेस्टेड एंड नोटेड का जरूरत है, इसमें नोटेड एंड प्रोटेस्ट का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका राइट टू लीगल एक्शन आ जाएगा, राइट टू लीगल एक्शन डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, सी एक तो तरीका क्या हो गया कि आप इस डिफरेंस बिटवीन को अपने नोट्स में कॉपी कर लो, कॉपी, आप एक नोट बना रहे हो जहां पे आप इसी को लेट्स से थ्रो बुक आप कॉपी कर लिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कॉपी मत करो, आप इसी का शॉर्ट बना लो, अगर आपको नोट बनाना है तो ऐसा एक बेसिस लिखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन में हमेशा बेसिस लिखो, बेसिस, देखो यहाँ पे बेसिस मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बेसिस नहीं मेंशन किया हुआ है, बट वी विल राइट बेसिस, क्योंकि बेसिस आपको याद करने में हेल्प करेगा। ये क्या है, अनकंडीशनल, ये प्रॉमिस, ये ऑर्डर है, ये प्रॉमिस है, यहाँ पे नेचर लिख सकते हैं, पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, यहाँ पे क्या होगा, मेकर एंड पे, ड्रॉअर मे बी पे, मेकर इज नेवर इक्वल्स टू पे, मेकर इज नेवर इक्वल्स टू पे, राइट। यहां पे लिख सकते हो रिलेशन, नोटिस नॉट रिक्वायर्ड, नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड, नोटिस ऑफ डिसऑनर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद मस्ट बी नोटेड, मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड,
ये नॉट रिक्वायर्ड है ना, ये ड्रॉन बाय क्रेडिटर, मे बी हम लिख सकते बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, सॉरी ये क्रेडिटर ड्रॉ करेगा जिसे पैसा लेना है, और ये जिसे पैसा देना है डेटर है ना। तो हमने ए पॉइंट कवर कर लिया, ये हम विल नॉट कवर, ये हमने कर लिया, और पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट ड्रॉई यहाँ पे मेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉअर सेकेंडरी एंड कंडीशनल, इसमें प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, ड्रॉअर या मेकर बोल लो, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंस बिटवीन बना सकते हो, एंड इसमें से अगर आप 5-6 पॉइंट्स भी याद रखते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। हमने कितने पॉइंट कवर करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 6 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक नोट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ आपको प्रॉमिसरी नोट का एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, सिमिलर है, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉल, डेट ऑफ ड्रॉल है ना, डेट ऑफ ड्रॉल से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्रिया को, चाहे वो जिसको बोलेगी, 10 लाख रुपीज़ दूंगा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो भी मैं सामान वामान परचेज कर रहा हूँ उसके लिए 10 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है। वो किसको लिख रहा है, प्रिया को प्रॉमिस कर रहा है, प्रिया को प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पे स्टैम्प हो जाएगा और यहाँ पे मेकर का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे ये मेकर कौन है, रोहन है, रोहन मेकर है, और यहाँ पे मेकर अपना साइन कर देगा, यहाँ पे पेई प्रिया हो गई, यहाँ पे पेई प्रिया हो गई। यहाँ पे जो की फीचर्स है, की फीचर्स है दैट इज सिमिलर टू, कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू व्हाट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आप सेपरेटली याद नहीं रखना, आप उसी को ट्वीक करके, जो आपने यू नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए मैंने जो नोट डाउन करवाया है उसी को थोड़ा ट्वीक करके प्रॉमिसरी नोट के लिए यूज़ कर लेना, प्रॉमिसरी नोट के लिए यूज़ कर लेना। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट। तो यहां पे आपको ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, यही चीज मैं ढूंढ रहा था, ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है कि क्या जो करेंसी होता है, जो करेंसी होता है क्या वो प्रॉमिसरी नोट है। द आंसर इज नॉट, नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज इसमें इसका एक सिंपल रीजन ये भी है कि जो प्रॉमिसरी नोट का जो फीचर है ना, इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर को पे हो सकता था, प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट बियरर को पे नहीं हो सकता है। बट जो आपका करेंसी होता है, करेंसी तो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके पास भी पैसा है वो जाकर सामान खरीद सकता है, राइट, जिसके पास भी पैसा है वो सामान जाकर खरीद सकता है। बट प्रॉमिसरी नोट बियरर को पे नहीं होगा, इट शुड नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर, इट शुड नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। इसलिए एक रीज़न है कि आपका जो
नोट होता है, मनी है, जो करेंसी नोट्स है, दैट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। और ये डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, प्रॉमिसरी नोट बैंक नोट नहीं हो सकता है, आपका करेंसी नोट नहीं हो सकता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। ठीक है, जो जिसका नाम लिखा उसे पे कर देंगे, या तो वो किसी और को ऑर्डर दे रहा है, किसी और को बोल रहा है कि उसे दे दो पैसा, तो उसे दे देंगे, मतलब इंडोर्समेंट हो सकता है, इंडोर्समेंट हो सकता है, बट बियरर को पे नहीं होगा। इंडोर्समेंट पॉसिबल है प्रॉमिसरी नोट का, बट बियरर को पे नहीं होगा। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन देखे थे तो यहां पे था ओनली टू और टू द ऑर्डर और टू द बियरर। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा भी दूँ हाथों हाथ, यहाँ और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, राइट? तो ये चीज प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रॉमिसरी नोट बियरर को पे नहीं होगा, एंड दैट इज वाई द बैंक नोट और द करेंसी नोट ऑफ अ कंट्री इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, है ना? दैट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। सो हमने प्रॉमिसरी नोट को भी कवर कर लिया है, एंड वी विल नाउ डिस्कस द वेरी लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी गोना रैप दिस चैप्टर अप। अब टेस्ट योर नॉलेज खुद से देखना, इफ देर इज एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट थ्रू वॉट एवर मोड यू आर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर लाइव सेशन यू कैन आस्क मी लाइव, एंड इफ यू आर वॉचिंग अ बैकअप ऑन यूट्यूब यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या है, अगेन हम अकोमोडेशन वाला केसेस देख रहे थे, तो सिमिलर लाइन्स में इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। बोलते हैं अनिल ड्रॉज अ बिल फॉर 9,000 ऑन संजय। ठीक है, अनिल संजय पे 9,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है फॉर 3 मंथ्स, विच संजय रिटर्न्स टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। अनिल फिर डिस्काउंट करवा लेता है उसे और 8,820 रुपये ले आता है, 180 रुपये एज अ डिस्काउंट पे कर देता है। ठीक है, अनिल एंड संजय। अब रेमिट कर देता है अनिल, क्या करता है, रेमिट कर देता है 1/3 अमाउंट टू संजय। अनिल रेमिट कर देता है 1/3 अमाउंट टू संजय। ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। अब ड्यू डेट पे क्या करना पड़ेगा, अनिल को अपना शेयर जो भी उसने यूज किया था वो संजय को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संजय वॉज द ड्रॉई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ड्यू डेट में किसको पकड़ा जाएगा, ड्यू डेट में पकड़ा जाएगा संजय को, है ना? तो आइडियली अनिल इज सपोज टू पे अमाउंट टू संजय, बट वो नहीं पे कर पाया एज यूजुअल, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 11 में भी सेम देखा था। बट ही एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 12,600 फॉर 3 मंथ्स, 12,600 का नया बिल एक्सेप्ट कर लेता है, विच संजय डिस्काउंट्स फॉर 12,330 एंड रेमिट कर देता है 2,220 रुपये टू अनिल बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट, अनिल इंसॉल्वेंट हो जाता है और 50% से रियलाइज हो जाता है फ्रॉम हिज स्टेट ऑन 15 अक्टूबर। तो देखा जाए सिंपल एंट्रीज सिमिलर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 11 नंबर जैसा, तो आप 11 नंबर क्वेश्चन कर लिए हो तो ये करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब जर्नल एंट्री हमें किसके बुक्स में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ अनिल। अनिल इज हु, अनिल इज अ ड्रॉअर, अनिल इज अ ड्रॉअर इन फर्स्ट केस एंड एक्सेप्टर इन द सेकेंड केस। तो पहले इसके लिए बिल्स रिसीवेबल टू संजय 9,000 का हो गया, बिल्स रिसीवेबल टू संजय 9,000 रुपये का हो गया। अब इसको डिस्काउंट करवा ले जाए 8,820 रुपये में, 8,820 रुपये में डिस्काउंट करवा लेता है। इसके बाद ये रेमिट कर देता है 1/3 अमाउंट, रेमिट कर देगा 1/3 अमाउंट, तो 9,000 का 1/3 यूजुअली क्या होता है, 3,000, 3,000। बट इसको मिला कितना है, 8,820, 8,820। तो वो 8,820 का 1/3, 8,820 का 1/3, 2,940 अमाउंट ट्रांसफर कर देगा, 60 रुपये का डिस्काउंट ट्रांसफर कर देगा। ऐसे इसके खाता में इफेक्टिवली कितना चला जाता है, 3,000 रुपये चला जाता है। तो ऐसे करके इसने 1/3 अमाउंट
ट्रांसफर कर दिया, बाकी का अब ड्यू डेट में क्या होता है, संजय के पास बैंक जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टर था, संजय के पास बैंक जाएगा 9,000 रुपये मांगने के लिए। तो आइडियली जो अनिल है, ही इज सपोज टू सेंड 6,000, ही इज सपोज टू सेंड 6,000 टू संजय, बट क्योंकि ये दे नहीं पाता है तो वो नया बिल एक्सेप्ट कर लेता है 12,600। अब इस केस में अनिल इज द ड्रॉअर, सॉरी, अब इस केस में संजय इज द ड्रॉअर, संजय ड्रॉअर हो जाता है फॉर 12,600। नाउ फॉर 12,600 ड्रॉअर इज संजय एंड ड्रॉई इज अनिल, एंड अनिल के बुक्स में बना रहे हो तो आपके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, संजय अकाउंट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री 12,600। अब ये डिस्काउंट कौन करवाएगा, ये संजय जाकर डिस्काउंट करवाएगा, संजय जाकर डिस्काउंट करवाता है और डिस्काउंट करवाने के बाद 12,330 रुपये लेकर आता है, 12,330 रुपये लेकर आता है, और 12,330 में से पहले तो 9,000 क्या यूज कर लेगा, 12,330 में से 9,000 क्या करेगा, 9,000 यूज कर लेगा टुवर्ड द पेमेंट ऑफ अर्लियर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कितना बचा, 3,330 रुपये, 3,330 रुपये बचा। अब 3,330 रुपये में से संजय क्या कर देगा, संजय ट्रांसफर कर देगा 2/3 टू अनिल और 1/3 अपना शेयर रख लेगा, 1/3 अपना शेयर रख लेगा। 2/3 इसका कितना बनेगा, 2/3 कितना बनेगा, तो इसका बनेगा 2,220 रुपये, 2,220 रुपये 2/3 बनेगा, है ना, और 1,110 रुपये, 1,110 रुपये बनेगा संजय का शेयर, 1,110 रुपये संजय का शेयर बनेगा, राइट। तो बैंक अकाउंट से इसको कितना मिल गया, 22,220। अब इसमें डिस्काउंट कितना लगा था, टोटल बिल था 12,600 का, तो डिस्काउंट 270 रुपये का था, 270 का 2/3 कितना होगा, 180 रुपये का डिस्काउंट भी बेयर करना पड़ेगा, तो टोटल 2,400 रुपये का इसका सेटलमेंट हुआ, 2,400 रुपये का सेटलमेंट हुआ थ्रू संजय, राइट। अब आ गया ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या करना पड़ रहा है, ड्यू डेट में क्या हो रहा है कि ये जो है, ये अनिल जो है, अब जो एक्सेप्टर है वो हो जाता है बैंकक्रप्ट, अनिल हो जाता है बैंकक्रप्ट, और कितना परसेंट रिकवरी होता है इसके स्टेट से, 50% रियलाइज होता है, 50% रियलाइज होता है, रिकवरी होता है। अब देखो ऑन ड्यू डेट कौन सा बिल पेंडिंग है, बिल पेंडिंग कौन सा है, 12,600 में इसका राइट कितना है रिसीव करने का फ्रॉम संजय, इसका 1/3 तो इसका राइट है, 1/3 तो इसका राइट है, दैट इज 4,200। बट क्योंकि ये बैंकक्रप्ट हो गया ना, ये बैंकक्रप्ट हो गया, ये पूरा का पूरा अमाउंट किससे रिसीव कर लेता है, पूरा का पूरा अमाउंट संजय से रिसीव कर लेता है। तो ये क्या करता है, बैंक टू संजय, बारह हजार छः सौ, बट इसका हक तो सिर्फ 4,200 पे था। अब ये बैंक का पैसा यूज करके बिल्स पेबल को खत्म करेगा, 12,600 टू बैंक, बट इसका हक तो सिर्फ कितना पे था, 4,200 पे, तो एक्स्ट्रा इसने कितना रिसीव कर लिया, 12,600 माइनस 4,200, दैट इज 8,400, 8,000 इसने 400 एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है, 8,400 इसने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया। अब इसमें से 50% रियलाइज हो जाएगा, दैट इज 4,200 तो रियलाइज हो गया, 4,200 इसके डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा और ये संजय का अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, 8,400 संजय का अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, राइट। यही था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12, बिल्स ऑफ कलेक्शन हमने देख लिया है ऑलरेडी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक्स सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 11 को डिस्कस करने टाइम पे देखा था। दिस इज समरी एंड देन इज देर इज टेस्ट योर नॉलेज। इसी के साथ साथ हमारे ये चैप्टर रैपअप होता है, ये हम 10 और 11 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें, बट आई होप आप लोग को ये चैप्टर अब स्ट्रांगली समझ में आ रहा है। दिस चैप्टर इज हाईली डिपेंडेंट अपन प्रैक्टिस, जो लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, अकोमोडेशन एंड ऑन विच इंसॉल्वेंसी, दैट वॉज बिट टेक्निकल, आपको वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तभी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे साइकिल घूमता है,
पहले तो क्या था, बिल्स एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, रिटायरमेंट कर लिया, रिन्यूअल कर लिया, ये सब चीज़ फिर भी ठीक था। बट जो ये साइकिल घूमता है ना, आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये उसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो जो म्यूचुअल एकोमोडेशन है एंड इंसॉल्वेंसी वाला, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड इट कैन बी ओनली डन थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट कैन ओनली बी डन थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आई होप आप लोग करोगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप इलस्ट्रेशन तो करो ही करो, साथ में आपका टेस्ट योर नॉलेज में भी, साइड में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में चांस नहीं है पूछने का, बट स्टिल फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज यू कैन सॉल्व। कुछ थेरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एकोमोडेशन बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस, हमने सब देखा है, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस बिटवीन हमने जस्ट देखा, एंड देन देर इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एंड देन यू विल बी प्रो इन दिस चैप्टर, यू विल बी प्रो इन दिस चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।